गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर वीडियो नंबर 19 ऑफ योर सब्जेक्ट साइंस एंड दिस इज़ फॉर क्लास 2. इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो वी ऑल हैड स्टार्टेड द चैप्टर 4 एंड द चैप्टर 4 इज यूजफुल एनिमल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैन मेड एनिमल शेल्टर्स. मनुष्य के द्वारा बनाया गया पशुओं का आश्रय शेल्टर्स का हम क्या कहते हैं. ऐसे घर भी होता है, पशु का घर होता है. डोमेस्टिक एनिमल्स लिव्स इन शेल्टर्स मेड बाय अस. जो घरेलू जानवर पालतू जानवर होते हैं वो आश्रय में रहते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है. डॉग्स लिव्स इन केनल्स. कुत्ता घर में रहता है. हॉर्स इज स्टेबल्स. घोड़े अस्तबल में रहते हैं. पिग्स इन पेंस. जो सुअर के घर में रहते हैं. काउस इन शेड्स. काउ आश्रय में रहते हैं एक्सेट्रा. ठीक है. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, डॉग्स वेर द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाई मैन. कुत्ता वो पहला पशु था जो कि वे आदमी का क्या बना, टेम पालतू. कुत्ता आदमी का पहला पालतू जानवर था. हाउ एनिमल्स हेल्प्स अस. जानवर से हमें कैसे मदद मिलती है. सम एनिमल्स लाइक काउ बफेलो गोट गिव अस मिल्क. दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. कुछ पशु जैसे कि गाय भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, मिल्च एनिमल्स यानी कि दुधारू पशु. वी मेक कर्ड घी बटर एंड चीज फ्रॉम मिल्क. दूध से हम क्या क्या मिलाते हैं, दही. दूध से हम दही भी बना सकते हैं, दूध से हम चीज यानी पनीर भी बना सकते हैं. एनिमल्स लाइक हेन एंड डक ले एग्स. वी ईट एग्स ऑफ दिस एनिमल्स. वी ऑल्सो ईट द मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट हेन एंड फिश. पशु जैसे कि मुर्गी और बत्तख अंडे देते हैं, हम उनके अंडे खाते हैं और हम उनके मीट भी खाते हैं. कौन किस किस पशु के मीट खाते हैं, बकरी के, मुर्गी के और मछली के. ठीक है. हेयर्स ऑफ एनिमल्स लाइक याक एंड सीप आर यूज टू मेक ऊल. ऊल इज यूज टू मेक वार्म क्लॉथ्स लाइक स्वेटर शॉल्स एंड मफलर्स. जो कुछ पशु के जो बाल होते हैं जिसमें क्या होता है, याक और सीप यानी कि भेड़ आते हैं, उनको हम माना क्या कहते हैं, उनका जो बाल होता है उससे हम ऊन बनाते हैं. ऊन क्या गर्म कपड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं. गर्म कपड़े में क्या क्या आते हैं, स्वेटर शॉल और मफलर्स. वो सब हमारे किससे बनते हैं, ऊन से बनते हैं. डिड यू नो, सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर दियर स्किन हॉर्न्स एंड टस्क सच एज द एलिफेंट्स राइनोसेरस बफेलोज एंड स्नेक्स. कुछ जो पशु होता है उनके उनके चमड़े के लिए भी मार दिया जाता है. सिंग के लिए, उनके दांतों के लिए कुछ पशुओं को मार दिया जाता है. उसमें कौन कौन से पशु आते हैं, हाथी, राइनोसेरस, बफेलो, भैंस और सांप. इन सब के चमड़े, सिंग, दांत, इन सब के हर एक ऑर्गन के लिए इन्हें मार दिया जाता है. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्क. सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है. वी यूज सिल्क टू मेक शर्ट, साड़ीज एंड स्कार्फ्स. हमें सिल्क का यूज किस कहाँ करते हैं, साड़ी बनाने में, शर्ट बनाने में और स्कार्फ बनाने में. वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हिप्स. हमें बी हिप्स यानी कि हनी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे हमें हनी और वैक्स मिलता है. कैन यू राइट मैच द कॉलम एनिमल्स इन कॉलम ए विथ वाट वी गेट फ्रॉम देम कॉलम बी. हमें मैच करना है कि किसमें से क्या क्या हमें मिलता है. तो काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क. हेन से हमें क्या मिलता है, एग्स. सीप से हमें क्या मिलता है, ऊल. बी से हमें क्या मिलता है, हनी. गोट से हमें क्या मिलता है, मीट. अभी मैच कर लो. एनिमल्स लाइक डंकी, हॉर्स, एलिफेंट एंड कैमल आर कॉल्ड बीस ऑफ बर्डन. दे कैरी लोड्स फॉर अस एंड मेक आवर वर्क ईजियर. कुछ पशु जिसमें गधा, घोड़े और हाथी और ऊँट आते हैं उन्हें हम बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं यानी कि बोझ उठाने वाला पशु. वो हमारा बोझ उठाते हैं और हमारे काम को आसान बनाते हैं. देखो यहाँ डंकी कैरिंग लोड्स, गधा सामान ढो रहा है, कैमल यानी ऊँट भी सामान ढो रहा है. वी ऑल्सो टेम अ फ्यू एनिमल्स फॉर प्लेजर एंड कंपनी. हम कुछ और पशुओं को अपनी खुशी के लिए पालतू बनाते हैं. दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं. कैट, डॉग्स एंड पैरट्स आर पेट एनिमल्स और डॉग गार्ड्स आवर हाउस. कुत्ता, बिल्ली और तोता पेट एनिमल है और जो कुत्ता होता है वो हमारे हाउस को गार्ड यानी कि रक्षा देता है. नेम एनी थ्री एनिमल्स दैट आर नॉट पेट्स बट दे लाइक टू स्टे इन आवर हाउसेस. आपको तीन ऐसे जानवर का नाम बताना है जो कि पेट नहीं है लेकिन वो हमारे घर में रहते हैं.
Our shoes, bags and belts are made of leather. Leather is made from skins of dead animals like buffaloes, camels, snakes and crocodiles. हमारे जो जूते बैग यानी कि हमारा जो बैग होता है और जो बेल्ट होता है वो चमड़े से बनता है, लेदर चमड़ा होता है। और चमड़ा किससे बनता है? मरे हुए जानवरों के स्किन चमड़े से बनता है, जिसमें क्या क्या आता है? बुफेलो भैंस, कैमल आता है, स्नेक्स आता है और क्रोकोडाइल्स होते हैं। इन चारों के मरने के बाद मतलब इनकी जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद का जो इनके स्किन हटा के हमारा शूज बैग और बेल्ट बनता है। देखो शूज बेल्ट एंड बैग ओवरव्यू ऑफ चैप्टर है जिसको आपको याद करना है रिमेम्बर, और आपको इसका होमवर्क कराना है लेट्स आंसर का पूरा, आप लोग को अपने बुक से खुद बनाना है।